हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण का एक चैप्टर। तो उस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम ये जो आपको लिखा गया है, हालांकि इसको चार्ट में बना के आपके सामने प्रस्तुत करना था, लेकिन हमने इसको बोर्ड में लिख दिया है। अब ये जो जहां जहां पर फिलिंग द ब्लैंक्स है, यानी कि खालिस्तान है, उसे आपको भरना। तो देखिए, सबसे पहले मीना खालिस्तान खाना बनाया। मीना ने कौन बताएगा? दिया, ये दिया ने लिख दी, ने बोल दिया है ना। मीना ने खाना बनाया। उसके बाद आगे लालसा बोलो, उसने दादी खालिस्तान खाना परोसा। उसने दादी बोलो को, ठीक है, को खाना परोसा। दादी ने चम्मच खालिस्तान दाल चावल खाए। राहुल बोलो, दादी ने चम्मच से, ठीक है, दाल चावल खाए। मीना दादी खालिस्तान दही मिलाई। मीना दादी के लिए, ठीक है, के लिए है ना। आयुषी ने बोल दिया क्या? के लिए दही भी लाई। अब आगे कौन बोलेगा? आयुषी बोलेगी, दादी को चावल के साथ दाल खालिस्तान ज्यादा अच्छा लगता है। दाल क्या अच्छा लगता है? दाल से ये बोला आरुषि ने, से ज्यादा अच्छा दही लगी। तभी दादी खालिस्तान सहेली है ना। कौन बोलेगा? कोई भी बोलिए, दादी की सहेली उनसे मिलने आई। वे पास ही चटाई खालिस्तान बैठ गई है ना। बोलो प्रिया पर है ना, चटाई पर बैठ गई। दादी से खुशी दादी ने है ना, सॉरी यहाँ पर है दादी ने, यहाँ पर गलत लिख दिया था हमने। दादी ने खुशी से क्या आ गया यहाँ पर? से खुशी से कहा अरे है ना। अरे विस्मय बोधक चिन्ह लगाएंगे, इसको बोलते हैं विस्मय बोधक चिन्ह। अरे तुम आ गई। दोनों ने बहुत देर तक बातें है ना। ये आप लोगों ने फिलिंग द ब्लैंक्स भरा है ना, ये भर दिया आपने ने को से के लिए। उसके बाद इधर की के बाद पर है ना, फिर यहां पर ने, ये ने, ठीक है, से और अरे, ये सब आप लोगों ने भरा। तो आप बताएंगे कि इसको भरने का क्या तात्पर्य था है ना। ये वाक्य जो है हमने कुछ शब्दों से इसको पूरा किया, जोड़े गए है ना। तो वाक्य को पूरा करने के लिए जोड़े गए शब्द क्या कहलाए? कारक कहलाते हैं है ना, कारक। कारक तो आज हम क्या पढ़ेंगे? कारक, ठीक है। ये जो शब्द जो हमने इसको, जो इस सेंटेंस को, इतने बड़े सेंटेंस को जोड़ने का काम किए, तो वो क्या कहलाए? कारक कहलाते हैं। तो अब कारक की क्या परिभाषा होगी? कि ये मतलब जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का, जैसे मीना क्या है? संज्ञा शब्द है ना। उसने क्या है? सर्वनाम। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का खाना पकाना, खाना क्या है? परोसना, पकाना, ये सब क्या क्रियाएं कहलाती है। तो जो शब्द संज्ञा और ऐसे संज्ञा और सर्वनाम शब्द जो क्रिया से उनका संबंध बताते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कारक की क्या परिभाषा। तो आज हम पढ़ रहे थे कारक पढ़ेंगे। तो कारक की क्या परिभाषा? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का क्रिया से जो संबंध बताते हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कारक के भेद या प्रकार, ठीक है, कारक के भेद या प्रकार। तो कारक के कितने भेद और प्रकार होते हैं, अब हम इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। कारक के प्रकार पढ़ेंगे हम। कारक के कितने प्रकार हैं? आठ प्रकार होते हैं, और उसके साथ इसकी क्या होते हैं? विभक्ति चिन्ह भी होते हैं, है ना। कारक के आठ प्रकार होते हैं, उनके साथ उसके विभक्ति चिन्ह भी होते हैं, उसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए हाँ, अब एक तरफ हम लिखेंगे कारक और दूसरी तरफ परसर्ग।
ये लिखे हमने कारक के भेद, ठीक है, बराबर आठ। ठीक, अब इसमें सबसे पहले लिखेंगे एक तरफ कारक और दूसरी तरफ विभक्ति, विभक्ति है ना। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले हम कर्ता ने, ठीक है। सेकंड वाला आएगा कर्म को, कर्ता ने कर्म को, फिर करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, फिर संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, कितने हो गए, पांच हो गए ना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, संप्रदान के लिए अपादान से संबंध राखी थी। अच्छा गलत लिख दिया हमने थोड़ा सा, यहाँ पर आएगा फिर से कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, यहाँ पर शॉर्टकट में लिख देते हैं, ये कौन सा होगा, पांचवा अपादान से। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध, संबंध का के की, संबंध का के की, अधिकरण, अधिकरण में पर, कितने हो गए, सात हो गए ना। कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए अपादान से हटा जाएगा, यहां से हट जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की, अधिकरण में पर और संबोधन के अरे अव, संबोधन के अरे अव, ठीक है। ये जो है आठ कारक के प्रकार हो गए, ये समझ के होंगे आप लोगों को उसको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। अब देखिए हम सबको एक एक बार आपको समझा देते हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्ता कारक, है ना। तो कर्ता कारक में क्या बोलता है, संज्ञा या स्वनाम के जिस रूप से कार्य करने का बोध हो, है ना। संज्ञा या स्वनाम के जिस रूप से कार्य करने का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मीना ने खाना बनाया, ठीक, इसका एग्जांपल है मीना ने खाना बनाया, ठीक है। तो यह आ गया ने, समझ गया होंगे आप लोग, ये क्या है, संज्ञा है मीना, है ना, नाम किसी का, और इनने विभक्ति चिन्ह है ये वाले, और खाना बनाना क्रिया है, ठीक है। तो जो संज्ञा और स्वनाम के ऐसे शब्द जो क्रिया से संबंध बताते हैं उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। कारक आठ प्रकार के होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का के लिए, अधिकरण में पर, संबोधन ए अरे अहो। अब जैसे हम सबसे पहले हमने आपको समझाया कर्ता कारक को, मीना ने खाना बनाया, ने क्या है, विभक्ति चिन्ह है, ठीक है। सेकंड देखिए कर्म को, तो संज्ञा और स्वनाम के द्वारा की गई क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, संज्ञा और स्वनाम के द्वारा जो क्रिया की जाती है उसका फल क्रिया पर जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे दादी बच्चों को कहानी सुना रही है, यहाँ पर सेकंड का आएगा दादी बच्चों को कहानी सुना रही है, क्या काम कर रही है, कहानी सुनाने का। आगे सेंटेंस लिखते हैं हम, ये आ गया को, बच्चों को। तो ये संज्ञा स्वनाम जो कर्म करते हैं, संज्ञा या स्वनाम के द्वारा किया गई क्रिया का फल जिस पर पड़ता है ना, तो वो क्या कहलाता है, कर्म कारक कहलाता है। यानी दादी क्या काम कर रही है, तो बच्चों को कहानी सुनाने का काम कर रही है, तो ये हो गया कर्म कारक, हो गया, समझ में आप आ गया होगा आप लोगों को। अब थर्ड वाला पढ़ेंगे हम करण कारक, है ना, थर्ड वाला करण कारक। तो कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उसका कोई साधन होता है, जैसे कि हम चौक से लिख रहे हैं, आप लोग पेन से लिखते हैं, तो कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। जैसे कि अविनाश अपने दोस्तों के साथ गाड़ी से गोंदिया जा रहा है, किससे जा रहा है, कौन सा साधन है उसका, गाड़ी से या कार से, है ना।
जैसे अपन ने लिखी है अजय, उदाहरण लिखती हूँ, अजय कार से गोंदिया जा रहा है, ये हो गया से, ठीक है, ये विभक्ति चिन्ह लग गया, ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इसका माध्यम क्या था, कार से, ठीक है। अब अगला देखिए संप्रदान, कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए, कर्म से संप्रदान के लिए, ये ठीक है, संप्रदान के लिए। अब इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है ना, कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है या उसे कोई देता है, यानी कि उसे प्रदान करता है कोई चीज, तो वो क्या कहलाती है, संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे ललित दादाजी के लिए पानी लाया, के लिए तो यहाँ पर लिखेंगे अपन ललित दादा जी के लिए, या के लिए है ना, के लिए पानी लाया, कौन सा कार्य किया उसने, पानी लाने का, तो ये हो गया संप्रदान कारक। समझ में आया होगा आप लोगों को, अगर कोई परेशानी होगी तो कॉल कर सकते हैं। अब है आपका अगला अपादान से, है ना, तो इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं, अपादान कारक संज्ञा अथवा स्वनाम के जिस रूप से अलग होने का, अपादान से समझ लो अलग होने का भाव प्रकट होता है, क्या होता है, अलग होने का भाव प्रकट होता है, इसको हम रद्द कर देते हैं, ये आपको अगले वाले बता देते हैं। अब देखिए अपादान से मतलब कि अलग होने का भाव, राजेश विजय से अधिक शक्तिशाली है ना, या तो इसमें बहुत सारी चीजें रहती है तुलना के भाव में, या अपन इससे एक सरल उदाहरण लेते हैं, पेड़ से पत्ते गिरे, ठीक है, अलग हुए किससे, हुए पेड़ से, अलग होने का भाव अपादान। एक और था कर्ता ने कर्म को करण से आता है, करण से मतलब कि वो वहां पर साधन या माध्यम जहां पर रहता है वो करण कारक में से आता है, दोनों में से, दोनों की विभक्ति से है, लेकिन करण में माध्यम में साधन, लेकिन अपादान में अलग होने का भाव, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उसके बाद देखिए संबंध, जिस शब्द से दो संज्ञाओं तथा दो स्वरनामों का आपसी संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं, है ना, जैसे आज दीपक के भाई की परीक्षा है, है ना, तो ये क्या कहलाएगा, संबंध, संबंध में क्या है, का के की, तो इसमें देखा आज दीपक के भाई की परीक्षा है, का के की आ गया, ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए अगला अधिकरण, तो इसकी क्या परिभाषा, संज्ञा अथवा स्वरनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार पर उसके होने के स्थान का बोध हो, है ना, उसे अधिकरण कहते हैं, जैसे कि बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, बच्चे छत पर, नागा पर, अधिकरण में पर, है ना, बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब उसके बाद देखिए संबोधन कारक, तो शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं, संबोधन कारक, जैसे कि अरे तुम कैसे गिर गए, है ना, जैसे अपन बोले अरे तुम कैसे गिर गए, अरे के बाद विस्मयबोधक चिन्ह, अरे तुम कैसे गिर गए, कैसे गिर गए, तो अरे जो है ये संबोधन कारक कहलाता है। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्या करना है आज, ये जितना हमने पढ़ा है, कर्ता कारक की परिभाषा, प्रकार, उसके उदाहरण, सबको एक बार अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद 7 नंबर का जो है और 8 नंबर का जो है उसको आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है, 7, 8 और ये 9 3 जो है आपके लिए होमवर्क है, उसको आप जो है होमवर्क में करेंगे, बाकी का आगे हम कल आपको बता देंगे, ठीक, जो गलत होगा वो बता देंगे और फिर आगे स्टार्ट करेंगे। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करें, धन्यवाद बच्चों।